अपना नाम पर जो बताएं। मैं अनूप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता संयोजक काशी क्षेत्र। आज हम सब माननीय अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में जो मानक माननीय अटल जी ने स्थापित किया, एक लंबा कार्यकाल उनका लगभग 9 बार विभिन्न सदनों में वो रहे हैं, और उन्होंने जो मानक स्थापित किया जिस समय वो संघर्ष कर रहे थे, अधिकतम समय पार्टी विपक्ष में थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ चाहे कश्मीर जाना हो एक युवा के रूप में, और एक शिक्षा के प्रति उनके परिवार का कितना गहन लगाव था। एक घटना आप सुनने में आती है कि उन्होंने पिता पुत्र एक साथ एक ही क्लास में लॉ की कक्षा करते थे, शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता थी उनके मन में। एक शिक्षक, एक कवि के रूप में देश उनको जानता है, और पूरा देश राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, इन सब योजनाओं के लिए जितना अटल जी ने एक संवेदनशीलता से देश को दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड के बाद उनकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को पूरा देश जानता है कि किस तरह से पूरे देश में रोड का जाल बिछा करके अगर वो रहते, आगे उनकी योजनाओं को माननीय मोदी जी बढ़ा रहे हैं, चाहे नदियों को जोड़ने की परियोजना हो, विभिन्न परियोजनाओं के लिए, और देश में एक मजबूत विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष। आज की राजनीति में जहाँ विपक्ष एक चाहे विरोध की भावना में देश का भी नहीं ध्यान रखता, माननीय अटल जी ने एक समय बांग्लादेश के युद्ध के समय इंदिरा जी को दुर्गा का स्वरूप इसी सदन में कहा था लोकसभा के अंदर, विपक्ष होते हुए भी। नरसिंहा राव उनको विदेश भेजते हैं विपक्षी होते हुए भी कि अटल जी हमारे देश का प्रस्तुतिकरण अच्छा कर सकते हैं। तो एक सकारात्मक विपक्ष कैसा होता है, ये देश को अटल जी से सीखना चाहिए।